63 साल के इब्राहिम रईसी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई के जैसे ही वेशभूषा रखते थे, उनकी विचारधारा भी एक जैसी ही थी। ईरान में शायद खामनाई के बाद रईसी ही सबसे ताकतवर और सम्मानित शख्सियत थे। साल 2021 में जब वो राष्ट्रपति बने तो एक बार फिर ईरान की सत्ता उस विचारधारा के पास पहुंची थी जिसे कट्टर माना जाता था। 19 मई 2024 को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में कुल 9 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें राष्ट्रपति के अलावा ईरानी विदेश मंत्री और अन्य लोग भी शामिल थे। इस हादसे के बाद ईरान के लिए दुनिया भर से संदेश आ रहे हैं, संवेदनाएँ व्यक्त की जा रही हैं। इस बीच आपको हम इब्राहिम रईसी के बारे में बताते हैं, कैसे एक मौलवी का बेटा ईरान का दूसरा सबसे बड़ा नेता बन गया और उसकी छवि ऐसी रही कि उन्हें कट्टरवादी नहीं बल्कि अति कट्टरवादी के तौर पर देखा जाने लगा। इब्राहिम रईसी उस डेथ ऑफ जज ग्रुप का हिस्सा भी रहे जिसकी कलम ने हजारों राजनीतिक बंदियों की मौत भी लिखी थी। 1960 में ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद में इब्राहिम रईसी का जन्म हुआ था। रईसी के पिता एक मौलवी थे, वो खुद भी शुरुआत से ही इसी रुझान की तरफ होते चले गए। शायद ये घर के माहौल का असर था, लेकिन जब वो 5 साल के थे तभी रईसी के पिता भी चल बसे थे। इसके बाद कोम शहर में रईसी की पढ़ाई पूरी हुई थी। यहाँ की ही यूनिवर्सिटी में ईरान के धार्मिक नेताओं को बढ़ावा दिया जाता है और यहाँ से ही रईसी को एक रास्ता भी मिल गया था। ये वो दौर था जब ईरान में अभी क्रांति नहीं हुई थी। 1979 के दौरान ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और धार्मिक गुरु खामनेई की अगुवाई में ईरान में एक नई विचारधारा, एक नई सरकार को जगह मिली। सिर्फ 25 साल की उम्र में रईसी तेहरान में सरकारी वकील बने। यहाँ से वो आगे बढ़े और फिर एक ऐसी कमेटी का हिस्सा बन गए जिसकी वजह से उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। इसे डेथ कमेटी या फिर जज ऑफ डेथ भी कहा जाता है। साल 1988 में जब इस्लामिक क्रांति आए वक्त हो चुका था, तब एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें कई जज थे। इस कमेटी का काम राजनीतिक कैदियों को सजा देना था। वे पहले से ही जेल में थे, लेकिन कमेटी ने उन्हें धीरे धीरे मौत की सजा दी। 5,000 से ज़्यादा राजनीतिक बंदियों को करीब 5-6 महीने के दौरान सजाए मौत दी गई थी। ये सभी वो कैदी थे जो उस वक्त वामपंथी विचारधारा को सपोर्ट करते थे या फिर खामनाई ग्रुप के खिलाफ थे। बाद में कई मौक़ों पर सार्वजनिक रूप से इब्राहिम रईसी ने इस कमेटी का सदस्य होने या फिर उन राजनीतिक मौतों के पीछे अपना हाथ होने से इनकार भी किया। कमेटी के अन्य सदस्य या फिर खामनाई ग्रुप के लोगों ने सार्वजनिक मंचों पर उस नरसंहार की बातें कम ही की, लेकिन रईसी ने कई मौक़ों पर यह भी कहा कि 1988 में जो हुआ वो सब जायज़ था क्योंकि तब के सुप्रीम लीडर ने इसका फतवा जारी किया था। रईसी धीरे धीरे ईरान के राजनीतिक माहौल में आगे बढ़ रहे थे क्योंकि वो हमेशा ही खामनाई के करीबी रहे। 2017 में जब वो राष्ट्रपति बनने की रेस में खड़े हुए तो लोग हैरान हुए थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए। हसन रूहानी, जो आधुनिक विचारों के माने जाते थे, पश्चिम के साथ बातचीत करने वाले भी लगते थे, तब वो जीत गए थे। लेकिन साल 2021 में इब्राहिम रईसी सफल हुए। उन्होंने इस बार जीत हासिल की क्योंकि उन्हें अपने सुप्रीम लीडर खामनाई का भी साथ मिला था और लंबे वक्त के बाद ईरान के 2 सर्वोच्च पदों पर एक कट्टर विचारधारा वाले लोग मौजूद थे। अपने इस कार्यकाल में रईसी ने कई विरोध झेले। उनकी नीतियों की वजह से ईरान आर्थिक संकट में भी रहा, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे थे और इन सब के बीच चीज़ें लगातार बिगड़ने लगी थी। 63 साल के इब्राहिम रईसी की अचानक हुई मौत से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ईरान के कुछ लोग इसे साजिश बता रहे हैं, कुछ को चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं। तमाम मसलों के बीच सच तो ये है कि ईरान ने अपना राष्ट्रपति एक दुखद हादसे में खो दिया है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।